श्री कपिल मुनि जी महाराज, जो कि महर्षि कर्दम एवं देवहूति के पुत्र थे और भगवान विष्णु के अवतार भी, अद्यापि वर्तते देवः सांख्यचार्यो महाशय यन्नाम स्मरणे नापि सांख्य योगश सिद्धयति तम वंदे कपिलम योगाचार्य सर्ववर प्रदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज के इस ब्लॉग में। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी। पुराणों में उल्लेखित है कि श्री कपिल मुनि ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। महर्षि कपिल मुनि जी की तपोभूमि मातली उत्तरकाशी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्री कपिल मुनि महाराज सिद्धाश्रम कैलात सोड ग्राम मातली में स्थित है। कैलात सोड ग्राम वासियों तथा स्थानीय लोगों का पौराणिक स्थल भी है। श्री कपिल मुनि सिद्धाश्रम, जो कि माँ गंगा नदी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर आकर सभी श्रद्धालु पवित्र गंगा माँ के दर्शन वे स्नान कर श्री कपिलेश्वर स्वयंभू शिवलिंग, श्री कपिल मुनि जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री शनि महाराज जी के दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। पौराणिक कथा अनुसार पर्वतराज हिमालय की 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम गंगा जी तथा दूसरी पुत्री का नाम उमा पार्वती था। गंगा जी उन दिनों देवलोक में ही निवास किया करती थी और माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर से हो गया। उन दिनों पृथ्वी पर सगर नाम का एक राजा हुआ करता था, जिनकी 2 रानियां थी। एक का नाम केशिनी तथा दूसरी का नाम सुमति था। राजा सगर ने अपनी दोनों रानियों से संतान प्राप्ति के लिए भृगु मुनि की तपस्या की। भृगु मुनि राजा के कठोर तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भृगु मुनि ने राजन से कहा कि एक रानी से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और दूसरी रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। समय बीतता गया और रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया, जबकि दूसरी रानी सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म होता है, जिससे 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। लक्ष्मी देव को न्याय का देवता भी माना जाता है और वह सूर्य देव जी के बेटे हैं। जब ये सभी राजकुमार युवावस्था में पहुंचे तो यह सभी बड़े ओजस और तेजस्वी हुए। महारानी केशिनी का पुत्र असमंजस बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था, जिससे प्रजा भी काफी परेशान होने लगी। ऐसे क्रूर राजकुमार को प्रजा कोसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ असमंजस का पुत्र अंशुमान सुशील विवेकवान तथा दयालु निकला। वह प्रजा के हितों की बात किया करता था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए घोड़े को लाया गया, यह देखकर देवराज इंद्र के मन में डर बैठने लग गया और वे यह सोचने लगे कि कहीं इंसान देवों की जगह न ले। देवराज इंद्र ने अपना वेश बदलकर उस घोड़े को चुरा लिया। राजा सगर को जब यह बात पता चली कि अश्वमेध यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की चोरी हो गई, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को इस घोड़े को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में निकल गए। इंद्र ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। सगर के 60,000 पुत्रों को जब कपिल मुनि के सामने घोड़ा बंधा हुआ मिला, तो वे कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की चोरी का मिथ्या आरोप लगाते हुए उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगे, जिससे क्रोधित होकर श्री कपिल मुनि महाराज के नेत्र खुलते ही महाराज सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। पुत्र अंशुमान की प्रार्थना पर श्री कपिल मुनि महाराज ने सगर पुत्रों की मुक्ति हेतु मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का उपाय बताया। अंशुमान कठोर तप किया, लेकिन वे मां गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की। अंततः मां गंगा को उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मां गंगा की पहली अमृत धारा पृथ्वी पर आई और सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। महर्षि कपिल मुनि जी इस घटना से अत्यंत विरक्त होकर देश के विभिन्न स्थानों से होते हुए अंत में हिमालय में आए और आज भी मातली
उत्तरकाशी में गंगा नदी के सुरम्य तट पर श्री कपिलेश्वर स्वयंभू शिवलिंग की आराधना में लीन है तथा ग्राम मातली के ग्राम देवता के रूप में प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित व पूजे जाते रहे हैं। जय गंगे मैया, जय कपिल मुनि महाराज, जय माता रेणुका। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नए रोचक तथ्य और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।